पौड़ी शहर के बस अड्डे के समीप माल रोड पर स्थित भू धसाक को लेकर स्थानीय लोगों का आक्रोश उस समय बढ़ गया जब लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता दिनेश चंद्र नौटियाल ने इस भू धसाक के ट्रीटमेंट के रूप में इस बार फिर से मिट्टी पत्थर डालकर लीपा पोती की गई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि विभाग के कर्मचारियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। आपको बता दें कि इसके बाद विभाग ने यह कहा, मोटी पत्थर डालने का काम किया, साथ ही भू धसाव स्थल के चारों ओर चीन भी लगा दिए गए, जिस पर सड़क पर लीपापोती का आरोप लगाते स्थानीय जनता के विरोध को देखते हुए विधायक राजकुमार पौरी और कोतवाल भी मौके पर पहुंचे, जहां सभासद अनीता रावत समेत स्थानीय जनता ने विभाग से लीपापोती न करते हुए इसका स्थायी समाधान करने की मांग की। इस बीच सड़क के दोनों ही तरफ जाम की स्थिति पैदा हो गई, जिससे कि एम्बुलेंस के आने पर पुलिस ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर खुलवाया। पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। करके बुलाया था, उस समय तो उन्होंने बिल्कुल मना किया कि नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ, हम व्यवस्था करवा रहे हैं और हमने अपने कर्मचारी भेज रखे हैं। जबकि यहाँ पर सिर्फ जेई से आ रखे थे और जेई से हमने जब पूछा तो वो रेत और मिट्टी लेकर आ रखा था, इसलिए हमने एक्शन को बुलाया था कि आप आओ और आप जवाब दो यहाँ पर। तो फिर जब विधायक जी आए तो विधायक जी के कहने से उनको बुलाया गया, तब वो व्यक्ति यहाँ पर पहुंचे हैं। जब एक्शन को बुलाया है अभी और यहाँ पर आएंगे और इस कार्य को जो है तुरंत करवाएंगे, क्योंकि ये सभी की समस्या है और मैं हमेशा जनता के साथ हूँ, पब्लिक के साथ हूँ और जनता ने मुझे चुना है तो जनता के लिए ही हमेशा मैं समर्पित होकर काम करने का आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ।